अंदर चला गया इसके अंदर। अभी ये खा के देखते हैं किस तरह का लगता है। वैसे तो बहुत ज्यादा मजेदार लगता होता है। और ये क्या किया हुआ है इसने? तंदी करेगा, ये चेक करेंगे यहाँ पे मेरा जख्म भी कर दिया हुआ। काम चेक करो इसको। ये काफी ज्यादा बढ़ गया यार, मेरा नहाने का दिल कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:15। तो अभी मैं अपने मुर्गियों के लिए पत्ते लेके आया हूँ। अभी उन्हें जहाँ डाल देते हैं। ये पत्ते तो नहीं है, खैर ये वो केलों के छिलके हैं, तो वो भी डालते हैं। और एक प्रॉब्लम है जो कि एक महीने से हमारी मुर्गियाँ जो हमारे अंडे खाई जा रही हैं, हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तकरीबन कह लें कि रोज़ाना के 2 अंडे लगाएं तो महीने के कितने बन जाते हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 60 अंडे बन ही जाते हैं। तो वो सारा हमारा जो नुकसान है ना वो हो रहा है। तो उसका भी देखना कि क्या करना है कि क्या नहीं करना। अभी फ़िलहाल इन्हें डाल देते हैं ये अंडे या मेरी जबान से काफ़ी दिनों बाद व्लॉग करने लगा हूँ, तो अभी समझ नहीं आ रही कि क्या बोला क्या नहीं बोला। केलों के छिलके डाल देते हैं। बाकी जब से हमारी कोको की डेथ हुई है तो मुर्गा हमारा काफ़ी शदीद वैशी हुआ है, तो मुझे करीब भी नहीं आने देता बाकी मुर्गियों के। अभी ये फ्रंट पे आ चुका है, फ्रंट पे खेलेगा आगे। अभी मैं इन्हें डालने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे तंदी करेगा। ये चेक करें यहाँ पर मेरा जख्म भी कर दिया हुआ। काम चेक करो इस के ओ भाई बादशाह, बात मेरी सुन ले, मेरी बात सुन ले, तंग ना कराया कर। जो मैं काम करना मैनू काम करन दे, ठीक है ना? तेनू मैं कुछ नहीं कहना, तू मैनू कुछ नहीं कहना, ठीक है? चल पीछे जा, मैनू पत्ते डालन दे। पत्ते ओए इतना गुस्सा। चल भाई चल भाई, खा ला। यहाँ का भी हाल कोई अच्छा नहीं है। ये सारे पौधे सूख चुके हैं, ये बस सिर्फ मिर्चें रह गई हैं। टमाटर वगैरह भी हमारे सूख चुके हैं और यहाँ पे मिर्चें लगी हुई हैं। मुर्गी हमारी जो है रोज अंडे खा रही हैं, तो उनका इलाज कुछ सोचना पड़ेगा। पहले तो उन्हें कैल्शियम की कमी लगती है, वो कैल्शियम की कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी की है ना अंडे की खाने वाली, उसका इलाज करें या देखेंगे किसने सबसे पहले ये काम शुरू किया था। उसके लिए अभी मेरे जहन में एक प्लान आ रहा है, तो वो देखते हैं करते हैं कितना फिजिबल है कि नहीं है। पहले छिलके जो हैं वो खाने देता हूँ, आराम सुकून से ये खा लें। फिर इनके लिए लेके आऊँगा मैं 3 डब्बे अगर मुझे मिल गए। तीनों डिब्बों में 3 मुर्गियाँ हम जो है बंद करेंगे, तो फिर सुबह इंशाल्लाह देखेंगे कि कौन सी मुर्गी अंडा दिया है और किसका अंडा बच गया है, जो कि हम बचाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास जो मुर्गियाँ हैं 1, 2 और वो वाली 3 है, और ये मुर्गा। मुर्गे को मैंने सोचा है कि मुर्गे को हम इसी के अंदर रहने देंगे, मुर्गा इसी के अंदर रहेगा। बाकी जो मुर्गियाँ वो मैं तीनों अलग-अलग डब्बों में जो है पैक करूंगा, फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला सुबह किसका अंडा मिलता है किसका नहीं मिलता। अभी मैं फ्रेंड के पास गया था डब्बा पता करने के लिए, तो उसके पास भी डब्बे नहीं पड़े, जो पड़े हुए हैं वो फटे हुए डब्बे हैं। तो पहले मुझे घर ला के उन्हें दोबारा टेप वगैरह लगा के जोड़ना पड़ेगा, तो फिर भी पता नहीं ये उसमें आती है कि नहीं आती। घर भी ढूंढने की कोशिश की है, घर में भी कोई डब्बा नहीं मिला, इसलिए आज का ये वाला प्लान जो है हमारा चौपट हो चुका है, यानी कि नहीं हो सकता क्योंकि डब्बे हमारे पास नहीं है। जो मैंने सोचा था वो नहीं हो सकता। अब ये है कि जितने भी दिन और अंडे खा सकते हैं अब खा लेंगे, और क्या है, महीना तो पहले 2 महीने हो गए अंडे खाते हुए, अभी और खा लेंगे। कर लो जितनी मौज कर होती है, तो इंशाल्लाह ताला एक दिन मैं इलाज लाजमी करूंगा। मैंने इनका इलाज पता किया भी था, एक तो है कैल्शियम की कमी पूरी कर दो, तो वो है। अभी पता नहीं कैल्शियम की कमी है कि नहीं है। एक दूसरा आज था इनकी चूंच पे कुछ लग जाता है प्लास्टिक का, तो वो मिल जाता है, लेकिन वो भी 100 रुपये का मिल रहा है, तो पता नहीं उससे भी कोई फायदा होना था कि नहीं होना था, इसलिए मैंने वो लिया ही नहीं। अभी फिर यही है कि कोई और काम ना हो तो फिर कैल्शियम की कमी बता इनकी पूरी करने की कोशिश करें, अगर तो वो पूरी होगी तो। वैसे मुझे लगता नहीं है कोई कैल्शियम की कमी है। इन्होंने एक्सीडेंटल जो डिस्कवरी की थी अंडे की, अचानक कोको का अंडा होता था छोटा, तो उसने सबसे पहले स्टार्ट किया था काम, उससे फिर काम बढ़ गया। गाइस अभी हमारा प्रोग्राम बना है गांव जाने का, गांव जाओ हमारे दूसरे खेत हैं वहां पे चलते हैं और आम तोड़ के लाते हैं छीछा बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए। तो चले चलते हैं और तोड़ के आते हैं आम। यहाँ से बाइक जो है नवीब भाई चला लेंगे, क्योंकि मैंने साथ व्लॉगिंग भी करनी है ना, वीडियोज वगैरह बनानी है, तो वो बना लेंगे। ये चेक करो क्या मिला हमें भाई, पता नहीं नजर आया कि नहीं आया। किधर गया वो देखो, ओए हो बिल भी है इसकी यहाँ पे, ओए कितने ज्यादा है, ओए अंदर चला गया इसके अंदर। लिजर्ड गो गो कहते पंजाबी दे, इसके अंदर चली गई है भाई इतनी बड़ी गो। पहले आना था हमने वो वाले रस्से से सीधा इस तरफ से, अभी हम आए हैं ये वाले रस्से से जहाँ पे हमें वो गो भी मिली है।
तो ये काफी ज्यादा बढ़ गया यार, मेरा नहाने का दिल कर रहा था लेकिन अभी कपड़े मेरे गंदे हो जाएंगे कि इसके अंदर नहाया ना, कपड़े मुझे जाके चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन काफी ज्यादा बड़ा हुआ है और साफ सुथरा पानी लग रहा है, साफ तो नहीं मिट्टी वाला है लेकिन वैसे साफ। पहुंच गए हैं हम अपने खेतों में। तो पहले हम इस तरफ आए थे, यहाँ पे बाग है ना, अभी तो कुछ भी नहीं लगा हुआ और यहाँ पे अमरूद वगैरह है वो भी नहीं लगे हुए। तो अभी देखते हैं आम लगे हैं हमारे दरख्तों को कि नहीं लगे। मेरा ख्याल था अबू ने बताया था ये सामने जो दरख्त है इस पे नहीं लगे होंगे, जो बड़े दरख्त है वहाँ पे नहीं लगे। देखते हैं कहाँ किस वाले आम पे लगे हैं। इस वाले दरख्त पे आम कोई नहीं लगा, छत्ता किधर लगा? ओ छत्ता भी लगा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं आपको नजर आएगा कि नहीं आएगा, ये लगा हुआ है छत्ता। खैर हमने कौन सा इस दरख्त पे जाना है, तो हमने आगे वाले दरख्त देखते हैं वहाँ पे है कि नहीं। ये भी दूसरा दरख्त आ गया, तो इस पे भी कोई आम नहीं लगा हुआ। आगे जी हमारा तीसरा आम का पौधा, तो यहाँ पे मुझे नीचे गिरे हुए नजर आए हैं, वह नीचे गिरा हुआ है। नीचे गिरा है ये पकी हुई है। हाँ इधर लगे हुए आम, ये लगे है, ये भी लगा हुआ, वो भी लगे कुछ। चलो तोड़ो फिर। चले अभी हम आम तोड़ लेते हैं। अब वैसे देखना ये मेरे सामने ऊपर ही लगा हुआ है, काफी ज्यादा बड़ा गुच्छा लगा हुआ है, तो ये तोड़ते हैं आम। वेरी गुड, लग गई किधर है? मेरा हाथ नहीं पहुंचा ना तोड़। चल ठीक है, कितने मोटे मोटे आम है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ इधर से चढ़ के ना फिर आम तोड़े जा सकते हैं। इस जगह पे काफी ज्यादा गुच्छे आम के लगे हुए हैं, फल काफी ज्यादा इस तरफ है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे चढ़ के ना आम तोड़े, बस डर ये है कि तय नहीं जिसकी टूट ना जाए। चल मैं चढ़ के देखता, अभी मैं चढ़ के देखता ना टूट दी कि नहीं टूट दी टहनी, आही है ना। वो टूट गई ना तो मैं जा रहन दे उतरा उतरा मोड़ के या मोड़ जा या दो आम तोड़ ले। जहाज देखो कितना नजदीक से जा रहा है यहाँ से भाई, ये हाथ लग रहा है मेरा, ये टक्कर। अभी इस वाले आम से तो आम नहीं तोड़ा जा रहा, काफी ज्यादा ऊंचा है, आगे भी एक पौधा है तो वहां देते हैं कि करीब कोई आम है तो तोड़ लेंगे। ये वाला पौधा यहाँ पे भी आम लगे हुए हैं, मेरा ख्याल यहाँ पे छोटे छोटे से आम है, पीछे वाले बड़े बड़े मोटे मोटे से थे, यहाँ पे छोटे छोटे से। अभी पता नहीं मिलते भी है कि नहीं हमें, मैं आम छोटे छोटे थे तो ये देख। हाँ ये तो चढ़ा जाता है, इतने देखो लागे थागे आम होना ना उतो ही तोड़े जाने। वैसे पहले भी मैंने आके यहाँ पे आम तोड़े हुए हैं, जाने के पूरे पूरे दरख्त जब हम आम उतारते हैं ना तो वो मैंने उतारे हुए हैं आके, अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये उतार ले दो आम तो आए, पीछे भी पहले सिटी है थे हाथ ही नहीं गया, ये भी आ गया। अभी मेरा दिल कर रहा है कि इसके अंदर छलांग लगा दूँ और नहा लूँ, लेकिन नहीं अभी यहाँ से मुँह हाथ धो लेते हैं अपना। पहले मैंने मुँह धो लिया था तो कैमरा नहीं चला था, अभी दोबारा घर जाके बनाते हैं छीछा और साथ बनाते हैं आम की चटनी मज़ेदार वाली, तो आपको दिखाएंगे किस तरह के बनाते हैं। और ये क्या किया हुआ है इसने, चला ला भैया करो ने किधर पा लिया, इधर तो रोड बन दी है धूल जिन्ना मुँह धोता सारा गंदा वाला। ओके भाई थैंक यू नवी भाई शुक्रिया। जो आम मैं लेके आया हूँ अभी उनके पहले एक तो बनेगा छीछा, तो छीछा बनाएंगे और एक बनाएंगे चटनी आम की, और तीसरा काम जो मैं अभी करने वाला हूँ तो अभी आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। अभी मैंने ये एक आम काट लिया है, छिलके वगैरह इसके काट दिए हैं, और अभी इसे लगाते हैं नमक और मिर्च
और खा लेते हैं इससे। अभी ये खा के देखते हैं किस तरह का लगता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता होता है, मुझे तो आपको पता नहीं किस तरह का लगेगा। मिर्च काफ़ी ज़्यादा लगा ली मैंने। बहुत ज़्यादा मज़ेदार। चलिए गाइस अभी बना लेते हैं आमों की चटनी। तो मैंने दो प्याज ले लिए हैं, ये चार आम ले लिए हैं, ये मिर्च से कुछ ज़्यादा ही ले लिए हैं, तो बीच में मैंने तोड़ के रख लिए हैं, बस इतनी सी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी बना लेते हैं हम इसके आमों की चटनी। मैं पहले मैंने चटनी बनाने लगा था तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आम सख्त है तो ज़रा मुश्किल हो रहा है। अभी मैं इसके अंदर ग्राइंड करने लगा हूँ। ये बन गई है हमारी चटनी, थोड़ी सी पतली होगी क्योंकि पानी डाल दिया था। चलिए गाइस अभी खा लेते हैं खाना। तो ये है जी साथ दाल और ये मैंने लगा ली है रोटी के ऊपर चटनी। रोटी के ऊपर चटनी लगा के खाने का अलग ही मजा आता है। छिछा जो बनाना था वो अभी नहीं बनाया, वो इंशाल्लाह ताला कल बनाएंगे क्योंकि एक डिश फिर एक दिन ही अच्छी लगती है। छिछा इंशाल्लाह ताला कल बनाएंगे। अभी मैंने चटनी बना ली है, अभी खा के चेक करते हैं किस तरह की लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक हाथ से खाना भी ना एक टैलेंट का काम है, तो वो खा के देख लेते हैं। ओहो हो 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 हो, वाह, ये लगाई दाल। मज़ेदार चटनी बनी है, बहुत मज़ा। अभी मैं खा लेता हूँ खाना। अभी के इस टाइम हो रहा है तकरीबन 11 बज गए हैं। तो ये था आज वाला ब्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट की शदीद ज़रूरत है आपकी, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को जाके देखा करें। अगर अच्छी नहीं लगती नीचे कमेंट करके बताया करें कि वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती। अभी भाई 2 साल मुझे होने वाले हैं, तो कोई सपोर्ट कर दें आप भी। प्लीज़ अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और इस व्लॉग को यही ख़त्म कर देते हैं। अभी बैठ के मैं व्लॉग जो है अपना एडिट कर लूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।